दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों IPL 2020 को लेकर लगातार कई सारी अपडेट्स जो है वो निकल कर आ रही है और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं तीन टीमों के बारे में जिनके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो कौन सी है वो तीन टीमें और क्या अपडेट निकल कर आई है बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी IPL के फैन कर रहे हैं IPL 2020 का इंतजार तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप किसे सपोर्ट करने वाले IPL 2020 में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों सबसे पहली अपडेट जो है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर, RR को लेकर। दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स लगातार निकल कर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने अपना प्रिंसिपल स्पॉन्सर चेंज किया था जिनके बारे में हमने आपको बताया था, और यहां पर दोस्तों इस टीम ने अपॉइंट कर लिया है एक नए बॉलिंग कोच को IPL 2020 के लिए। इन्होंने अपना बॉलिंग कोच जो है वो कर दिया है चेंज, और ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर रहे रॉब कैसल को जो है इन्होंने अपॉइंट किया है एज अ बॉलिंग कोच। तो रॉब कैसल जो है IPL 2020 में होने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स के बॉलिंग कोच। ये बड़ी अपडेट RR की टीम को लेकर जो है वो आ रही है। बात करें दोस्तों दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर निकल कर आई है, और आपको बता दें कि शिखर धवन फाइनली जो है यहाँ पर IPL 2020 की स्टार्टिंग से बाहर हो चुके हैं। काफी सारे डाउट शिखर धवन को लेकर बने हुए थे जब से वो इंजर्ड हुए थे, और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि IPL 2020 के स्टार्टिंग वीक्स में जो है हमें शिखर धवन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मेन जो उनकी इंजरी है वो है दोस्तों रिसेंटली शोल्डर इंजरी। वैसे उनको काफी सारी इंजरीज जो है पिछले कुछ समय में हुई है, लेकिन रीसेंट जो उनकी इंजरी है वो है दोस्तों शोल्डर इंजरी, जिनकी वजह से वो यहां पर IPL 2020 की स्टार्टिंग को करने वाले हैं मिस। आपको क्या लग रहा है इनके जाने से क्या दिल्ली कैपिटल्स को फर्क पड़ेगा IPL 2020 की स्टार्टिंग में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। और बात करें दोस्तों तीसरी टीम की, तो तीसरी टीम है यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम। और मुंबई इंडियंस के लिए जो अपडेट है वो है दोस्तों हार्दिक पांड्या को लेकर। हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन यहां पर इंडिया के लिए जो है वो नहीं हो रहा है, ऐसे में डाउट्स बने हुए कि क्या हार्दिक पांड्या जो है वो पूरी तरीके से फिट है। तो आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या जो है 100% फिट है, कोई भी चिंता की बात हार्दिक पांड्या के लिए नहीं है, और यहां पर हमें IPL 2020 की स्टार्टिंग में ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं हार्दिक पांड्या। ये चीज भी बिल्कुल कंफर्म जो है वो हो चुकी है। तो जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर आई है, वहीं मुंबई इंडियंस के लिए जो है वो आई है बहुत ही अच्छी खबर। तो दोस्तों इन तीन टीम्स के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी जो कि हमने आपको दी है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।